कि जेडे मैं दो इशू लेके आ रहा हूं सवाल जवाब भी उन्हां दी करांगा ताकि मेरे जेड़ा एजेंडा है वो डाइवर्ट ना होवे। सरकार दे विच बहुत ऐसे इशू होंगे जेडे कि तुसी होर भी रेज करना चाहुंदे होंदे हो किसी टाइम फेर करना कि नहीं तो ऐ ना होवे कि तुसी कोई ऐसी गल छेड़ लो जेड़ी ऐ लो लेके बैठ होर पाले पंजाब दा कल्याण कोई दसदा है कोई कहंदा है तुसी पुछदे हो है जी कोई पुछदा है कोई नहीं पुछदा। दो राह ने या तो लॉलीपॉप दे दो आप फ्री ऐ ऐ फलाना आखिरी दो महीने हुंदा पौने पांच साल ठोका ठोक इनू टा उनू सिट एते जुल्म एदे हक खो ते आखिरी दो महीने च आ भी आप सारिया नूं पंजाबियां नूं देश वासियां नूं आने वाली दिवाली दीआं बहुत बहुत बधाईआं हो बहुत बहुत शुभकामनावां। पंजाब तरक्की करे आने वाले समय च असी एक वखरा सुनहरा पंजाब सिर सकीए वधिया सिर सकीए उस लई मेरी शुभकामनावां है यही मेरी कामना है। उन्हूं पुछो कित्थों देंगा सवाल ये है कित्थों देंगा सवाल तुहाडे दिलां च होना चाहीदा कि की पंजाब दे विच मकसद सिर्फ सरकार बनाउणा है सिर्फ सत्ता च आउणा है झूठ बोल के पंज पंज सौ वादे करके कि मकसद सिर्फ सत्ता च आउणा या पंजाब दे लोकां दा कल्याण करना है। ये दो चीज़ां च फर्क समझो। कल्याण दा रस्ता एक रोड मैप ते जांदा है मुश्किल नूं समझण ते जांदा है। मुश्किल की है राजनीति तंदा है राजनीति एक प्रोफेशन बन चुकी है मिशन नहीं रही खत्म हो गए वो किरदार खत्म हो गए वो लोग जो डंडा देंदे सी ऐ खट करके एक डंडा खड़काउंदे सी सारा हिंदुस्तान मगर तुरदा सी खत्म हो गए वो लोग जिन्हां खातर लोग जान देन नूं तैयार सी। द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन मस्ट बी रेस्ड। ये जरा विश्वास उठिया राजनेता तो ये वापस ले आना मेरे जीवन का मकसद है साहब मेरे जीवन का मकसद है। तो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके पे कर्मचारियों लई ऐसी एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए। आज तक कदे कर्मचारियों नूं इस तरह का उपहार शायद नहीं मिलिया जिड्डा वड्डा मैं अज ले रहा। और मैं थोनू ये दसना चाहता कि काफी दिनों तो मेरे बन तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल से सी फिर काफी देर नहीं रहे हूँ कुछ दिनों तो सी अज सवेरे मेरी उन्होंने बैठ के गल हो गई है। उपहार जिहड़ा मैं हुण थोनू दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया तो उन्होंने मैं ये भी कमिटमेंट दिती है कि इस सरकार का जिहड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाई हड़ताल पर नहीं जाएंगे बैठ के लग जाए। ये भी साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाई के सिर पर चलती है अफसर के सिर पर चलती है वह एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दियाँ जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनों इंपलाई के थ्रू होंगे। ये कोआर्डीनेशन बहुत जरूरी है इंपलाईज दी ते सरकार दी कि उहदे विच रहे और कोआर्डीनेशन दे नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब दे फैसले लागू होण सरकार अगे वधे पंजाब तरक्की करे बड़ा जरूरी है। मैं कर्मचारी यूनियन जिहड़ियां अज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असीं जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे हड़ताल नहीं करांगे। जवाक जमदा है
मां कहती है मैं इंजीनियर बनाऊ, प्यो कहता है ओए पढ़िया करो खेडा कुडा डॉक्टर बनावांगे, कोई कहता नहीं 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 इन्हू बिजनेस सिखाना मैंने भी बिजनेस बनाना, कोई कहता मुंडा वड्डा करके पॉलिटिशियन बनाना। सिद्धू दे ज्योंदे जी एक सुपना है कि कोई एक बंदा नहीं काफी आदमी अमृतसर दे विच कहणगे कि असीं अपने पुत्तर नूं नवजोत सिंह सिद्धू वर्गा बनाउणा है, उहदे किरदार ते खड़ा करना है। देखो गल ये है कि पंजाबियों वास्ते चादर छोटी पई भी है, पैर बाहर कढे हुए सरकार ने, खर्चे इन्ने पैंदे है कि ओह झले नहीं जांदे। मैं एक सर्वे कराया सी हुणे, उहदे च लोग कहिंदे आ यार फीस दे के बिजली का बिल दे के बच्चों की फीस नहीं बचती, या बिजली का बिल दे के फिर घर किस तरह चलाना है। तो बिजली का बिल एडे एडे वे आने लगे हुए है जिदे करके लोगों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ा भारी इशू पंजाब दे विच बनिया होया कि बिजली हो गई है क्या हो गई, असीं घर किस तरह चलाना। सरकारां नूं इस तरीके दे टैक्स और उगराही या बिजली दे होर पानी दे खर्चे अपने नागरिकां ते पाउणे चाहीदे जिहड़े ओह सही तरीके नाल सह सकण झल सकण। जे सरकारां ही टैक्स इन्ने लगा देणगियां कि उहनां दे वित्त तों बाहर हो जाएगा फिर माहौल बिगड़दा, फिर सुइसाइड हुंदे आ, फिर घरां दे विच कलेश हुंदे आ। कहिंदे जिहदे घर विच दाणे उहदे कमले वी सियाणे, जद घर दे विच तंगी आउंदी उहदे लड़ाइयां शुरू हो जांदियां। आ साडा बिजली दा बिल तंगी देई जा रहा, क्यों बिगड़ गया पंजाब? 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, 3 लाख करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन होने वाला, किदा भाई मुंसिपल कमेटियां गिरवी पई, रेस्ट हाउस गिरवी रखे पे, गिरवी रखता है ना 25-30 साल जड़े आपदे आप कहते कहा मुछा खड़िया करके कुंडिया करके खड़े आपदे आप चीफ मिनिस्टर कहते गिरवी रखता सूबा, तो कौन कहना है? 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने मोड़ना, गलत फहमी चो सरकार ने नहीं मोड़ना, हो तुसी मोड़ना, तुसी मोड़ रहे हो। पंजाब दे विच डायरेक्ट टैक्सेस जिहड़ा अमीर पे करता 225 करोड़ रुपया, तो जिहड़ा गरीब दिंदा नून ते तेल ते पेट्रोल, कदे सोचा सी सेंचुरी पार कर जू, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा जी, डीजल मार गया, ये क्यों? कीमत तो 30-35 है, ये तुसी दे रहे हो। रोजमर्रा की जिंदगी च गरीब दे रहे, आटे ते टैक्स, तेल ते टैक्स, लून ते टैक्स, गलतफहमी च ना रही हो। 225 करोड़ अगर अमीर दिंदा डायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स पंजाब दे इस सूबे दे विच 50,000 करोड़ रुपया तुसी दिंदे हो, 50,000 करोड़ रुपया। अक्खां खोलो, धर्म की लड़ाई है, यह धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध मैं हार नहीं सकता, मैं पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तो भी गलिया महल्या खड़ के कहूंगा पंजाब दे लोगो ऐतकी वोटा एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपा ते ना पाइयो, ना पाइयो। सो अज असी मसले नूं हल करन जा रहे कि बिजली दे बिल तो घट तो घट परेशानी ना हो। सो अज सरबसम्मति दे नाल साडी कैबिनेट ने जो फैसले ले उहदे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ऐसी हर चीज नूं ऐवें नहीं है कि कईआं नूं इह वी गल हो जांदी कि जे वोटां आ गईआं तां शायद तां इह कोई फायदा दे रहे, नहीं इस तरह नहीं। मैं ते मेरी कैबिनेट ते असी सारे जाने बहुत सोच विचार के रात नूं सारी सारी रात ला के सोचते हैं कि किस तरह साढ़े FMP इस दे विच कि किस तरह जे पैसे की कोई राहत देनी है तो वह जनरेट कितों करना, उहदा हल किस तरह कढ़ना। बिजली दे कम्मां दे विच ही बिजली का हल सी लेकिन कर नहीं सी रही सरकार। तुसीं इह देखो कि GVK साडा जिहड़ा गोइंदवाल वाला वह सानू 6 तों 70 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहा है, और जदों वह बनया तो कोई टेंडर नहीं कटिया,
कोई किसी से बिड्स नहीं लिया, दो जने बैठे इधर, सरकार बैठ गई इधरों बैठ गए, समझौता करके भी चलो इन्ने रुपये वर्गा चलो खत्म। जे कंपीटिशन होया उनका सही रेट आते हूँ सानू 6 to 7 रुपये बिजली उन्होंने पैंती है। सो ऐसी उन्होंने टर्मीनेशन का नोटिस देता है, वो महंगी बिजली लेनी बंद कर रहे हैं। ऐसी हूँ अपना टेंडर कटिया 500 मेगावाट का, पूरे सानू जी बिजली का रेट आया 2 रुपये 38 पैसे सानू बिजली मिल लगी। सोलर पावर ऐसी नवा टेंडर दिता है, पिछले सरकार ने 6 to 7 रुपये लेना कर, ऐसी 2 रुपये 38 पैसे लेन लगे हैं बिजली। तो जेडे 7 रुपये वाले 6 रुपये वाले जे वी के वर्गे वो है उन्होंने ऐसी कैंसल करना है, उन्होंने टर्मीनेशन कर रहे सारा सोलर सिस्टम ऑन आ PPA। हाँ जी PPA टर्मीनेट कर रहे। तो इस सैशन के असी तिने जे सारे पावर प्लांट हैं इन तिना दे PPA दोबारे तो कंसीडर करा विधानसभा, तो सरकार नवे बिल लेके जाए तिना बारे क्या क्या वो थोड़ा अजे असी नहीं पंडोरी खोल दें, मौका आएगा वह भी खोलेंगे किस तरह अभी करना, फिर वो क्या है इतों कोई स्टेटमेंट हो जाए तो वो अगले कोर्टा वर चले जाते होर पास चले जाते, लेकिन असी इन तिना दे बिलों एग्रीमेंटा दोबारे रीकनसीडर कर रहे हैं, लैजिटेशन लेके जावे तो विधानसभा के डिस्कस करा जिम्मे विधानसभा चाहेगी पंजाब के हकों वास्ते उस तरह इस अगर सोचा जाएगा। झूठ बोलता, झूठ बोलता वो बंदा जरा कहता खजाने भरे हुए सरासर झूठ। अगर यह सच है तो दे दो ईटीटी टीचर फिर 50-50 हज़ार रुपये तनखा दे दो। है थोड़े को 50 हज़ार करोड़ रुपया सरप्लस, तमिलनाडु को देखो, दिल्ली को देखो, सारे को देखो, जे है तो दे दो, दे दो जे टंकिया जड़े फिरते हैं, चलो उन्होंने देना, दे दो जे कच्चे इंपलॉई ने दे दो उन्होंने खजाना कहने वास्ते, गरीब वास्ते है ना, कतार च आखिरी खड़ोते बंदे वास्ते है या उदे वास्ते है जड़ा कतार दे सब तो अगे खड़ा है और रेता बेचता है, शराब बेचता है, आपदी जेब टुटनी कदे स्टेट दे खजाने च आया है? जे खजाना भरिया, जे खजाने दे विच पैसा स्टेट दा आ रहा है ते ऐ करो पक्के कर दियो मुलाजम, ते ऐ करो जिन्हां नूं पेंशन नहीं मिली, हाँ जी जिन्हां नूं पेंशन नहीं मिली 2004 तो, साडियां तां 5-5, 6-6 लगियां हुई हैं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करदा अगर मैं दोबारा इलेक्शन जितया दूसरी पेंशन नहीं लूंगा, मरदा मर जूंगा, मरदा मर जूंगा, ना करूंगा। पंजाब दे लोकां नूं बहुत बहुत मुबारक है, अज तो ही लागू कर रहे हैं, जे अज तो लागू ना करे तो पहला दिन तो साढ़े टाइम आना ही नहीं किसी को, 2 महीने बाद पता लगेगा भी इधर बहुत फायदा हो गया, अज तो शुरू हो गया है। 7 किलोवाट के उपर के सिर्फ 2,38,000 कंज्यूमर है, 72,000 के 72 लाख के टोटल 72 लाख कंज्यूमर है। साड़ी कैबिनेट दी यह व्यू बनया है कि आज जेड़े बिल्कुल ही करीम अमीर आदमी है जिन्हां पास बड़िया बड़िया जमीना बड़ी बड़ी जायदाद जेड़े BBAC लगे हुए है उन्हां नूं छड्ड लियो, करीमी बहुत बड़ी करीम है जेड़ी, वो सिर्फ 5% है, 5% तो भी घट है, वो लोग उन्हां दा ऐसी 3 रुपये वाला उन्हां च नहीं ऐड कर रहे, लेकिन बाई एंड आज 95% लोगों ऐसी राहत 3 रुपये की अच पर यूनिट बिजली की दे रहे हैं, जिहड़ा कि बहुत बड़ा फायदा पंजाब के लोगों होने वाला है। मैं जो सर्वे कराया सी, लोग सस्ती बिजली चाहते हैं, अर टिकाऊ चाहते हैं, अर क्वालिटी अर उहदे च फ्लक्चुएशन ना हो, सब तो बड़ी खुशखबरी
कि यह पंजाब के अज जिहड़े मैं रेट तय करते हैं पूरे देश विच सब तो सस्ते पंजाब दे विच पूरे देश दे नालों बिजली सब तो सस्ती अज तो शुरू हो गई है। पंजाबियों नूं इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक होवे। पर मैं यह भी दस देना चाहुंदा कि ऐसी एक खरीद भी सस्ती रहे पर जिहड़े महंगी दिंदे उन्हां नूं रद्द भी कर रहे हैं। इस करके अज कोई यह भी नहीं है कि जी पंजाब का नुकसान कर रहे हैं या कोई होर गल है, बिल्कुल जायज ऑन मेरिट ऐसी ये काम कर लगे हैं। सो ये बहुत ही वड्डा जिहड़ा फैसला साड़ी अज कैबिनेट ने लिया, मैं अपने कैबिनेट के साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। मैं थोनों वो बारे दस रहा जी, 3316 करोड़ रुपया सानू सरकार नूं इहदे सबसिडी दे रूप च देना पएगा पर ईयर पर एनम। ते इह वी दस देना चाहुंदा कि दिल्ली दे विच टोटल सबसिडी टोटल जिन्नी उह दिंदे आ उह 2200 करोड़ है ते पंजाब दे विच साडी जिहड़ी सबसिडी है उह 3316 करोड़ दा अज असीं ऐलान कर रहे हैं। 10628 करोड़ पहला दे रहे हैं, 14000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुणा ज्यादा। जो ऐसे बचा रहे हैं वो कंज्यूमर नूं डाइवर्ट कर रहे हैं, सरकार ने बचाएगी ऐसी कंज्यूमर ने फायदा दे रहे हो चीज ऐसा है। ये कैलकुलेट होएगा जिम्मे जिम्मे कंजम्पशन आएगी। हुण जिस तरह यह है कि जे 300 यूनिट फ्री कर दो तो 100 बांटने वाला भी 300 बांट लग जाएगा, वो साडा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन चक सकेगा। 300 यूनिट माफ जे करनी है तो सानू पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारे तो बनाना पड़ेगा। नहीं मैं तो नहीं कहा कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जी सानू क्वालिटी बिजली दो ते सानू सस्ती ते सही बिजली दो पूरे टाइम दो लोग के चाहते, लेकिन फिर भी सरकार वालों पहला तो ही 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की बिजली माफ है। ऐसी और रेगुलर माफ रख रहे हैं, किसी की वापस नहीं ले रहे। फिर क्लियर कर देवा, 21 लाख कंज्यूमर 72 लाख तो 200 यूनिट पहले ही पंजाब सरकार माफ कर रही है और उन्होंने हैगी है 1 किलो वाट तक जिनका एग्जिस्टिंग स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ऐसी यह नहीं है कि जी जिन्होंने फ्री मिल रही थी 200 यूनिट उन्होंने वापस ले लेंगे, उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तो उपर उन्होंने भी फायदा होगा जो 200 तो बद वाट दे। दिल्ली च क्या है कि जी थोड़ी 300 यूनिट माफ है, लेकिन जो 301 होगी तो 300 के ही पैसे पैणगे। वो काम साडे पास ये चोर बाजारी या ये ड्रामेबाजी नहीं है पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार ने 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की जेडे कि 1 किलोवाट तक के कंज्यूमर है गरीब है बहुत उन्होंने माफ की हुई, उन्होंने 200 यूनिट माफ रहेगी। उस तो अलावा जे वो 200 के उपर बाढ़ते हैं ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ
फैसले पंजाब सरकार लेगी। पहला पब्लिक दे विच बंदे भेज के उन्होंने व्यूज लेके ऐसी ओरे ते अपना फैसला खड़ा करा। जेड़ा 2 किलोवाट तक 2 किलोवाट दे बिजली दे मैं तुहानू दस देना चाहुंदा है 2 किलोवाट तक दे 53 लाख कंज्यूमर जिन्हां दे पिछले सालां दे बकाए खड़े सी ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾ ਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਦੂਜੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢੂ, ਕੋਈ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੂ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਣੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਸਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਓਏ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਜੈ, ਓਏ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਦਊ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੌਂਪ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਮਸਤੀ ਕੇ ਨਾਮ, ਤੁਝਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਏਗੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਤੁਝਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਏਗੇ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। MSME ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
इस करके उन्होंने राहत दी।